हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा बताऊंगा कि किस तरह से आप एक फ्लेक्स बैनर बनाते हो और बनाना सिखाऊंगा। और ये जितनी भी आपको ये सामने जो बैकग्राउंड दिख रहे हैं, इसी के माध्यम से आपको एक पूरा फ्लेक्स बैनर बनाऊंगा। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करता हूँ दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर एक हेडिंग देना है। आपको यहाँ पर हेडिंग देंगे हम, तो पहले आपको कुछ नहीं, ड्रॉ में चले जाना है। तो ड्रॉ में हम नीचे ये ड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं, अब जो यहाँ पर ब्लैक कलर है इसको हम पीला कलर लेते हैं, और जो ऊपर से तीसरे नंबर पे आता है इसको क्लिक करेंगे, और जो आपको रेक्टेंगल लेना है और जो स्ट्रोक है इसको फिल में करना है और ओके दबा देना। ये हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं, इसको रोटेट कर देना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है, ज़्यादा नहीं, इतना इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं, पीले को हम क्या करें, कौन सा कलर देंगे, वाइट कलर देंगे, और राइट के निशान पर क्लिक करेंगे, ऊपर से तीसरे नंबर पर क्लिक करूँगा और जो रेक्टेंगल है इसको सर्कल के दे दूँगा, और इसको जूम करूँगा और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगा और इसको यहाँ पर सेडिंग से लगा लूँगा। दोस्तों ये तो मैंने हो गया बिना टाइम वेस्ट, और राइट के निशान पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों मैं पहली बार बताता हूँ, मैं बहुत सरल बताऊँगा, बहुत ही तरीके से परफेक्ट बताऊँगा कि नए साल का एक बैनर किस तरह से बनाते हैं और सब पूरी तरीके से। पहले तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर को दे दूँगा मैं, और ये पहले वाले को कम करूँगा और दूसरे वाले को पहले नंबर पर क्लिक कर दूँगा और राइट के निशान पर क्लिक कर दूँगा। ये दोस्तों बॉर्डर पर क्लिक हो गई, ये चीज़ बन गई, मतलब हमारा एक तरह से कम्प्लीट ही होगा। सिर्फ हमारे फोटो ऐड करनी और टेक्स्ट लगानी, बस दो चीज़ तीन चीज़ लगानी है, और मैं फटाफट बता देता हूँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ, तो पहले क्या करता हूँ मैं, पहले मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ। तो टेक्स्ट लगा देता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, ये जैसे कि मैं प्रेजेंस वाचू को लिख दिया, तो मैं अब इसको क्या कर दूँगा, राइट के निशान पर क्लिक कर दूंगा। और जो ये आप यहाँ वाइट है, मैं इसको पहले ब्लैक दे देते हैं, फिलहाल के लिए ब्लैक देते हैं। और मैं साइड में अभी मैं सेट नहीं करूँगा दोस्तों, पहली बात यह ध्यान में रखना, मैं सेट नहीं अभी करूँगा, पहले मैं इनको पहले लिख देता हूँ, जितने टेक्स्ट की जरूरत है उतने फटाफट में लिख देता हूँ। राइट के निशान पर क्लिक कर दूँगा और उसको ब्लैक ब्लैक वाला कलर दे दूँगा, राइट के निशान पर क्लिक करके साइड में कर दूँगा, फिर साइड में करूँगा। और फिर इसके बाद मैं ये हार्दिक बधाई भी लिख दिया साइड, उसको पहले मैं कलर देता हूँ, ब्लैक कलर दे देता हूँ, और फिर और डबल जाऊंगा, फिर अरा ये शुभकामना भी लिख दी। अब इसको मैं ब्लैक कलर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये दोस्तों मैंने सब पूरा कर दिया, मैं इसको अब मैं समझाता हूँ तुमको, तो दोस्तों सही साठ समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। अब जैसे कि हमारा नो वर्स है, तो हम इसको पहले फुल साइज में कर लेंगे और उसको पहले बोल्ड कलर कर देता हूँ। बोल्ड में मेरे को मिलेगा सिर्फ ये वाला बोल्ड, ये बोल्ड मिला, सेटिंग से सेट कर दिया फिलहाल के लिए, इतना सेट करना है। और इसको कलर हम पहले रेड कलर देंगे दोस्तों, ध्यान में रखना, रेड कलर दूंगा मैं, रेड कलर भी दे दिया। और जो प्रदेशवासियों को हम इसको भी बोल्ड मिलेंगे, ये बोल्ड, ये बोल्ड इसी द्वारा, इस फंड द्वारा ही बोल्ड दिया जाता है। टैग हिंदी में बात करूँ तो, इंग्लिश में तो आपको ऐसे से भी दे सकते हो बोल्ड, मगर हिंदी की बात यही होता है। ये होगा। अब जैसे कि हमने हार्दिक बताई है, अब इसको भी हम कौन सा देंगे, बोल्ड वाला ही देंगे, और इसको थोड़ा रोटेट करके मैं इसको नीचे की ओर ले आता हूँ, ये होगा। अब शुभकामना को क्या करूँगा मैं, इसको भी बोल्ड में लूँगा दोस्तों, इसको भी बोल्ड में लेना, मगर इसको कलर हम रेड कलर देंगे ये। और उसकी मैं साइज को फुल थोड़ा कर देता हूँ, साइज थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ये। तो दोस्तों ये बताइए मैंने कितने आपको सरल ट्रिक द्वारा बताई है। और जैसे कि आप सोच रहे हो कि भाई ये डब्बा किस कारण बना है, अभी डब्बे का मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं भी यहाँ पर तिरंगा डालूँगा अपना, भारत का तिरंगा, तो ये मैंने ले लिया तिरंगा। अब जैसे कि तिरंगा यहाँ आ, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैं इधर ले आता हूँ, और इसको मैं जैसे कि ये इसको ध्यान से सेट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ। ये दोस्तों इस कारण मैंने ये डब्बा लिया था कि हमारा भारत का नक्शा भी हमारे इस चीज़ में लगना चाहिए। तो ये हो जाने के बाद आपको राइट के निशान पे क्लिक कर देना है, मतलब हमारा दो स्टेप तो कंप्लीट हो गई। अब दो स्टेप और बच्चे, और दो स्टेप क्या है, अपने एक फ़ोटो लगाना नहीं, यहाँ पर एक डिज़ाइन, यहाँ पर जो डिज़ाइन लगेगी थोड़ा डिज़ाइन लगाना। तो मैं पहले अपनी फ़ोटो ले लो, पहले मैं कट कर रखी है दोस्तों, रखिए आपको भी अपनी ऐसी फ़ोटो कट फोटो खींच लेनी है मोबाइल से, मैंने ये मोबाइल से खींची है, और मैं इसको पहले सेटिंग से सेट कर लेता हूँ। ये सेटिंग से सेट करना पड़ेगा तरीके से, ये दोस्तों मैंने ये सेट कर दी है। ये हो जाने के बाद मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, और फिर अपना नाम लिख दूंगा, जैसे मेरा नाम है उज्जवल सी सोलंकी, तो मैं उज्जवल सी सोलंकी लिख देता हूँ, डन कर देता हूँ, राइट के निशान पर क्लिक कर देता हूँ।
अब ये जो है तो हम इसको क्या करेंगे, करेंगे ब्लैक कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे बोल्ड वाला देंगे, बोल्ड उसको ये ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं आता। इसको छेड़छाड़ इसको नहीं करना, वो पहले इसको नहीं जाना है और यहाँ लगा देना है। ये देखिए दोस्तों आपका ये भी तैयार हो चुका है, बस अब आपको क्या एक ज़रूरत है, थोड़ी सी डिज़ाइन में बताता हूँ कि मेरे फ़िलहाल में एक डिज़ाइन भी होना चाहिए, ऊपर बहुत खाली खाली दिख रहा है, तो मैं 8 फोटो में इसकी भी मैंने लिंक दी है। अब मैं फ़ोटो को तो जूम करूँगा और उसको यहाँ पर लगा दूँगा, और उसकी मैं ब्लेंड में जाऊँगा, ये ब्लेंड में फिर इसको मैं मल्टी लाइटिंग में चले जाऊँगा, लाइटिंग में सही रहेगा। और ये हो जाने के बाद फिर मैं इसको इसी पे क्लिक करूँगा, जो भी आपको एरो दिख रहा है लेयर टाइप का, इसी पे क्लिक करूँगा, या डुप्लीकेट का निशान है तो डुप्लीकेट कर दूँगा, फिर इसको यहाँ पर ले जाऊँगा और राइट के निशान पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों हमारी डिज़ाइन की डिज़ाइन तैयार होगी और 2020 का भी हमारा शो होगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा तरीके से बन चुका है। आपको किस ये वाला वीडियो किस तरह का लगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगा। और आपको इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपकी फ़ोटो लगानी है। अब जैसे देखो दोस्तों कितना मैंने आसानी के साथ लगा दिया, और आपके लिए मैंने पहले भी ऐसे दो तीन वीडियो बनाए हैं, और इसी तरह के मैं वीडियो बनाते रहूँगा। और आपको कैसे सेव करना है तो तीन डॉट पे क्लिक करूँगा और सेव के निशान कर दूँगा तो सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, मैं इसके लिए ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आपको अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।